आज आपको मिलवाते हैं ऐसे कलाकार से जिन्हें बीएफए एमएफए मास्टर डिग्री मूर्तिकला से कर रखी है। दिल्ली के आर्ट कॉलेज से इन्हें बीएफए और एमएफए की है। ये लाइफ स्टडी में मूर्ति बना देता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूर्ति बना रहे हैं। ये पूरी लाइफ जैसे ही लैपटॉप में देखते हैं वैसे ही सेम की सेम बना देते हैं। लाइव स्टडी में भी सामने आदमी को बैठा कर मूर्ति बना देते हैं। ये पत्थर फाइबर हर चीज़ की मूर्ति बना देते हैं। ये नरेंद्र मोदी का फ़ोटो को जूम करके सेम फेस को मिलाना ये बहुत बड़ी आर्ट है। ये बिल्कुल एक जान डाल देते हैं मूर्ति में, बस सांस डालने की कमी रह जाती है। बिल्कुल सेम नरेंद्र मोदी का एक मूर्ति बना रहे हैं। ये नरेंद्र कुमार अपनी कला में मायर है। ये अपनी क्लास के टॉपर रहे हैं। ये फर्स्ट में, सेकंड में, एमएफए फाइनल में भी अपनी बरकरार रखी है फर्स्ट पोजीशन इन्होंने। ये बिल्कुल पत्थर की, सीमेंट की, टेराकोटा की, हर प्रकार की मूर्तियां बना देते हैं। अब आपको टेराकोटा की मूर्ति दिखाएंगे। ये टेराकोटा की मूर्ति है, चक्कर में इंसान है। ये आजकल बच्चे, पढ़ाई का कितना प्रेशर है, ये बच्चे की लाइफ स्टडी बनाई हुई है। ये लाइफ स्टडी बनाई है। ये दरवाजे के बीच में मेटल की मूर्ति है। ये टेराकोटा की मूर्ति है। ये बिल्कुल रफ दिखाई देती है। ये आजकल के बच्चों पर पढ़ाई का कितना प्रेशर है। ये फाइबर की है, फाइबर का ये एक पोर्ट्रेट है, बिल्कुल डिजाइन पोर्ट्रेट। और ये फाइबर का माता और बच्चे का एक मूर्ति है। ये बच्चा खिलौना नहीं ले रहा, माँ से फ़ोन ले रहा है। ये फ़ोन में देखो, बिल्कुल फ़ोन में लगा हुआ है। ये शानदार मूर्ति अब आपको लाइफ स्टडी है। ये सामने आदमी खड़ा करके मूर्ति बना रखी है, बिल्कुल फाइबर की। ये गोल चक्कर में एक जैसे बच्चा पेट में रहता है ऐसे है। ये बीच में बंदर है, तीन बंदर, बापू के तीन बंदर है। ये पोर्ट्रेट है, ये बच्चे का पेट में ऐसे होता गोल चक्कर में। ये बापू के तीन बंदर है इस घड़े में। इसमें जैसे राजमा, दाल, चावल, इसमें गेहूँ डाल के ऐसे डिजाइन बना रखा है। ये टेराकोटा की मूर्ति है। ये बचपन में माँ की पेट में कैसे बच्चा रहता है ये दर्शाया गया है मटके के माध्यम से। ये राजमा दालों से, गेहूं से ये डिजाइन बना रखे हैं। ये बुद्ध है, ये पोर्ट्रेट है बुद्ध का। ये मटके के अंदर एक मूर्ति बना रखी है। बिल्कुल ध्यान आकर्षित करना, गोल करना, एक साथ इकट्ठा ऐसे पोर्ट्रेट बना रखे हैं। ये पोर्ट्रेट हो गया। पीछे ये है प्लास्टिक। हमारा जीवन चक्कर प्लास्टिक में फंस के रह गया आजकल। चाहे पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई भी जूस फ्रूट पीते हैं, सब प्लास्टिक का। ये पोर्ट्रेट है, ये पत्थर की है, पत्थर का मॉडर्न आर्ट की ये पिक्चर है। ये गर्दन का एक पोर्ट्रेट है। ये बापू के तीन बंदर है, ये अलग अलग पोजीशन में बैठे हुए हैं। ये शानदार तस्वीर चारों तरफ घुमा के दिखाते हैं। ये बापू के तीन बंदरों की तीन पोजीशन है, शानदार मूर्ति। और ये आपको शानदार चेहरे से दिखा दी गई है। अभी आपको ये पोर्ट्रेट बनाते हैं, इनके फरमे बना रखे हैं। ये भगत सिंह का फरमा है। ये मेटल की मूर्ति है, वो पीतल की है, सिल्वर की है। ये हाथों का डिजाइन है। ये बुद्ध की मूर्ति है, ये एक पोर्ट्रेट बना रखा है। ये गणेश जी का, हाथी का, शिव शंकर का, ये भी शंकर पार्वती का, ये अलग अलग प्रकार की मूर्ति बना रखी है। ये तो बचपन से टेराकोटा में मूर्तियां बनाता था, फिर ड्राइंग मास्टर कोर्स किया, फिर उन्होंने बीएफए एमएफए दिल्ली आर्ट कॉलेज से की है। ये बहुत शानदार काम है इनका। इनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बिल्कुल पोर्ट्रेट है, हनुमान जी का है, ये गोरखनाथ का है, साई बाबा का है, रमाईनाथ का है, चटाईनाथ का है, ये भैरव का है। ये शानदार मूर्ति, इसके पास बहुत ज़्यादा मूर्तियां हैं। इसने बहुत काम किया है, हर पोर्ट्रेट पर बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को काम करता है बारीकी से। ये विश्वकर्मा डे का है, कृष्णाधा का ये है मूर्ति है। राजस्थान नहीं जाते हैं, हरियो का साथ में लेके जाते हैं। ये भी पोर्ट्रेट